छात्र नेता समील उपाध्याय के नेतृत्व में विद्यार्थी परिषद के महाविद्यालय अध्यक्ष शीतल पांडे कोषाध्यक्ष मोहम्मद इमरान मंत्री अमित सिंह समेत सैकड़ों छात्रों ने हरिराम महाविद्यालय के प्राचार्य को अपने सात सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। समील उपाध्याय ने बताया कि महाविद्यालय में व्याप्त अव्यवस्था के कारण सभी छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे हमारी शैक्षणिक तथा सशैक्षणिक गतिविधियाँ बाधित होती है। महाविद्यालय को धर्मशाला में तब्दील कर दिया गया है। आए दिन यहाँ बसों का जमावड़ा लगा रहता है। देखाओ कि बरात पिकनिक तथा अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधियों का अड्डा बना हुआ है। महाविद्यालय का भवन ऐसा लगता है कि आज इस शरीर के ऊपर गिर जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, ये छात्राओं पर फबत्तियाँ कसते हैं। इससे परेशान होकर कई छात्राएँ महाविद्यालय नहीं आती हैं, खुद को असुरक्षित असहाय महसूस करती हैं। छात्रों के बीच भय का माहौल बना रहता है। समस्या के बारे में बताते हुए शीतल पांडे ने कहा कि यहाँ शौचालय, पेयजल, पुस्तकालय में पुस्तकों की घोर कमी है, परिचय पत्र समय पर नहीं मिलता, कक्षाओं का संचालन नहीं होता। अर्पिता ने महाविद्यालय प्रशासन के समक्ष अपनी मांगों को रखते हुए कहा कि आधुनिक कक्षा कक्ष, स्मार्ट क्लास बनाया जाए, शौचालय का निर्माण कराया जाए, पेयजल के लिए आरओ वाटर का प्रबंध किया जाए, पुराने परिक्त महाविद्यालय भवन के स्थान पर नए भवन का निर्माण, पुस्तकालय में नई पुस्तकें मंगाई जाए, कक्षाओं की निर्बाध संचालन की व्यवस्था की जाए, परिचय पत्र ससमय वितरित किया जाए। कुछ नहीं है, समस्या ही समस्या दिख रहा है। जैसे आप देख ही रहे हैं कि कॉलेज कब गिर जाएगा, इसका कोई वो नहीं है, पता नहीं है। और सबसे ज्यादा वो है कि बच्चे दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, शौचालय का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, और भी बहुत सारी समस्याएं दिख रहा है। और जैसे साइकिल यहाँ बच्चे बाहर लगाते हैं तो साइकिल किसी का चोरी हो जाता है, और भी देखने को मिलता है। जैसे कि मैं यहाँ नीचे हॉल है उसमें देखो कि हो रहा है, हमेशा बच्चे सबको आने में परेशानी हो रहा है। फालतू बच्चे यहाँ हमेशा घूमते रहते हैं, जिसका कोई वो नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक नहीं पाता है, ना ही कोई डांटता है। और प्रिंसिपल सर भी ये रिस्क नहीं लेते हैं कि हाँ हम रोक देंगे या कुछ उस पर एक्शन लेंगे। हम लोग बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत बार एप्लीकेशन भी डाला गया है, इसका कोई सुनवाई नहीं होता है कभी भी। इसके पीछे का कारण क्या, आप लोग क्या समझते हैं कि यहाँ पर लापरवाही किया जा रहा है? हाँ, लापरवाही तो हो ही रहा है। अब इसका क्या पता कि किसका लापरवाही है, ये तो हम लोग को भी पता नहीं है। आप लोग प्रतिदिन कॉलेज क्यों नहीं आती है? हम लोग तो प्रतिदिन आते ही है, सबको ही आता है प्रतिदिन, लेकिन कुछ बच्चे का पेरेंट्स नहीं इसलिए आने देते हैं क्योंकि यहाँ पे बाहर जो है फालतू बच्चे घूमते रहते हैं, जिससे बच्चों लड़कियों का बहुत सारा वो सिक्योरिटी नहीं है यहाँ, इसलिए बहुत सारी कम ही लड़कियाँ कॉलेज में आ पाती है। कॉलेज परिसर में देखा जाता है कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा प्रतिदिन यहाँ पर लगा रहता है। हाँ, लगा रहता है। इसका शिकायत कभी आप लोगों ने यहाँ पे प्रधानाध्यापक से किया है? बहुत बार किए हैं, इसका कोई सुनवाई नहीं होता है। क्यों, जो असामाजिक तत्व इस परिसर में जो यहाँ पे रहते हैं उन लोगों से कभी आप लोगों को कोई दिक्कत तो कुछ होता है? बहुत होता है, जैसे ये बच्चों को आने में दिक्कत होता है, ऊपर दरवाजा के पास भी बैठ जाते हैं वो लोग, बैठ जाते हैं तो फिर वहाँ से कुछ देर वेट करना पड़ता है बच्चों को ऊपर आने के लिए। और भी बहुत सारे, जैसे उन लोग के साथ बहुत सारे लोफर लोग आते हैं, तो बच्चे जो लड़की आती है उन सबको समस्या होता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। स्कूल परिसर में देखा जाए कि तमाम ज्यादा की संख्या में यहाँ पर मोटर बाइक भी लगा हुआ है, क्या कुछ की मोटर बाइक का तो कहना ही नहीं है, बहुत सारे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपको दिख रही है यहाँ लगाई गई है, जो हमेशा यहाँ रहती है। इसका कोई, इसके लिए भी एप्लीकेशन डाला गया है, लेकिन इसका कोई प्रशासन भी अपने हैंड में नहीं लेता है कि हाँ हम इसको हटवाने का वो कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, कुछ नोटिफिकेशन हम लोग को नहीं मिलता है। कॉलेज परिसर में देखा जा रहा है कि कल नहीं है, जो कॉलेज की जो स्थिति है बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। कैसे आप लोग इस कॉलेज में आप लोग अपना जीवन यापन करते हैं? लोग आते हैं, लोग तो बड़ी मुश्किल है, डर लगता है कि कभी ये गिर जाएगा, कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे आते हैं, पढ़ना है तो सबको आता ही है, प्रयास करते हैं लोग। ऐसे सर से भी हर एक बच्चे बोलते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं कि इसका इसको वो निर्माण किया जाए, फिर से इसको सुधरवाया जाए, तो अब देखते हैं क्या होता है। सर तो बोले हैं कि हाँ हम कोशिश करेंगे इसको फिर से रिपेयरिंग वगैरह कराने के लिए। क्यों आप लोगों को डर नहीं लगता है कि कहीं हम लोग स्कूल में खड़े हैं तो कहीं बिल्डिंग गिर जाएगा या हम लोग के छत के ऊपर, छत जो है हम लोग छत पे गिर जाएगा? डर तो लगता ही है, सबको लगता है, लेकिन बस ऐसे मजबूरी भी है कि क्लास आना है, हम लोग को पढ़ना है, क्योंकि ऐसे इसका सेशन भी वही चल रहा है और इसका रिजल्ट का परिणाम भी देखा जाता है कि वैसे ही है। जो जिस बच्चे ने पढ़ा लिखा, जो बच्चे एग्जाम देके अच्छे से आते हैं, पेपर अच्छे लिखते हैं, उनका वो रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। जो लोग निष्कासित कर दिए हैं उनका रिजल्ट सही आ जाता है, ये बहुत बार देखा जा रहा है। आप कहाँ से आते हैं कॉलेज करने के लिए यहाँ पे? हम तो नजदीक से ही आते हैं, यहाँ से आते हैं, ओवरब्रिज के पास से, लक्ष्मीपुर। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सोनू पांडे है।
छात्रों का है कि आधुनिक कक्षा का स्मार्ट कक्षा का निर्माण कराने के लिए और पुराने महाविद्यालय भवन के नाम पर भवन का निर्माण कराने के लिए पुस्तकालय में नई पुस्तकें मंगाने के लिए परिचय पत्र का वितरण करने के लिए और कक्षाओं का निवास संचालन देखा जा रहा है कि जो इंटर कॉलेज का जो विद्यालय जो परिसर है उसका जो बिल्डिंग है या जो है उसका बिल्कुल जर्जर स्थिति हो चुकी है, क्या कुछ इसको लेकर क्या आप लोग करने जा रहे हैं? इसका पुनरुद्धार होने जा रहा है। कहीं सर ऐसा नहीं लग रहा है कि जो विद्या की मंदिर जो कहा जाता है स्कूल के उसके भवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? खिलवाड़ का क्यों होगा, ये तो प्राकृतिक चीज है, समय के अनुसार पुराना होगा तो गिरवे करेगा, तो उसको सुधार करना है, सुधार का प्रक्रिया चालू कर दिया। जो आपके स्कूल के जो छात्र हम लोग का कहना है कि हम लोग स्कूल में आते हैं तो हम लोग को डर बना रहता है कि कब बिल्डिंग गिर जाएगा, कब हम लोग घटना हम लोग के साथ घट जाएगी, और देखा जा रहा है कि स्कूल का जो परिसर है असामाजिक तत्वों का जमावड़ा प्रतिदिन लगा रहता है एनी टाइम, उस पर क्या कुछ फैसला लिया जाएगा? फैसला तो हम लोग लिए थे और हमारा कंपाउंड खुला हुआ है, लेकिन हम लोग पुलिस को और CO को दिए थे, उधर से कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग अपने से प्रयास करते हैं भगाने के लिए, लेकिन भाई उधर वो लोग नहीं भाग पाते हैं, हम लोग का प्रयास जारी है। स्कूल का परिसर सर स्टैंड तो नहीं बन गया यहाँ का? नहीं स्टैंड नहीं, तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में गाड़ी भी लगा हुआ है स्कूल परिसर में लगा हुआ है, तो इसमें आस पास के जो लोग हैं वे उत्तरदायी हैं, हम लोग के पास संख्या कम है, स्टाफ कम है, काम बहुत ज़्यादा रहता है, हम लोग जाते हैं नीचे भगाते हैं तो काम भी तो करना है, खाली कंपाउंडर में खड़ा रहेंगे तो नहीं होगा, इसलिए चार दीवारी कराना बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसके लिए प्रयास कीजिए, आप उनका MLA MP सरकार से आप लोग भी लगी है, खाली स्कूल परिसर में देखा जा रहा है कि सर यहाँ पर दिन भर भी रो पा रहा है, साथ देखो की भी हो रहा है लोगों का यहाँ पे? देखौटी के बारे में तो हमें उतना नहीं कुछ कह पाएंगे, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि इसको निराकरण कैसे, आप लोग समाज के लोग हैं तो मिलजुल कर करना काम होगा, तो आप लोग भी इसमें लगिए। क्या लग रहा है ये जो सब सारी समस्या ये कब तक दूर हो पाएगा? जल्द से जल्द हम लोग दूर करने का कोशिश करेंगे। जो आवेदन दिया गया इसको आगे बढ़ाएंगे आप? बढ़ाएंगे, इसमें बहुत सारा काम हो चुका है, हो रहा है। अच्छा, बहुत सारा चीज़ है जो लोग छात्रों को पता नहीं इसमें दिया गया है। अच्छा, जो कि है कौन कौन सी व्यवस्था भी स्कूल में यहाँ पे जो दिया गया? स्कूल में नई पुस्तकें हैं। ऐसा नहीं कि नई पुस्तकें नहीं है, हर एक साल MLA MP के द्वारा आ रहा है किताब हमारे यहाँ है। क्या कुछ छात्रों को संदेश दीजिएगा छात्रों से? और छात्रों से यही संदेश है कि भाई हमारे छात्र अच्छे से पढ़े लिखे और बड़ा बड़ा अफसर और समाज के हर एक कोने में जाएं, हमारे महाविद्यालय का नाम रोशन करें, खूब मेहनत करें, पढ़ें और महाविद्यालय के संचालन में भी सकारात्मक सहयोग दें। अपना परिचय बता दीजिए। मैं महाविद्यालय का प्रभारी प्रचार हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद। कॉलेज में आए दिन देखा जा रहा है कि यहाँ पे एक बस अड्डा बन गया है, कॉलेज कैंपस के नाम का कोई चीज़ नहीं है। दूसरा एक मैरिज हॉल बन गया है, यहाँ पे देखौकी का सिस्टम होता है, शादी विवाह का सिस्टम होता है, पढ़ाई का माहौल ही नहीं रह गया इस महाविद्यालय में। महाविद्यालय में आए दिन देखा जाता है कि असामाजिक तत्व के लोग वहाँ घूमते रहते, जिससे कि विद्यार्थी जो है उनको बाधा होता है और पढ़ने नहीं आ पाती है छात्राएं, उनको लगता है उनको कहीं ना कहीं डर सताता है कि ये लड़के हमसे छिड़खानी कर सकते, इस तरह के कई मामले यहाँ पे महाविद्यालय में देखे जाते हैं, जिसके कारण बच्चियां नहीं पढ़ने आ पाती हैं। इस सभी मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हम सभी युवा छात्र के द्वारा महाप्रचार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हर एक मुद्दे की मांग किया गया, जिसमें आधुनिक कक्षा का मांग किया गया, शौचालय नहीं है, जाइएगा देखिए बगल में शौचालय का एक व्यवस्था है कि वहाँ पे मच्छर रेंगते हैं, वहाँ पे कचरा का भंडार है, वो लगता ही नहीं कि शौचालय है, एकदम इतना कचरा वहाँ फैला हुआ है। पेयजल की व्यवस्था, पानी के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है, एकदम कचरा नल जो है उधर कोने में पड़ा हुआ जंगल की तरफ है, वहाँ पे कोई जाता ही नहीं, चप्पल का मतलब सिस्टम ही नहीं है। फिर जो भी है महाविद्यालय में पुराने पुस्तकें हैं उसमें कोई अपडेट ही नहीं होता है, ना पुस्तक मिलता है ना कोई होता है, सिस्टम ही कुछ नहीं रह गया पुस्तकालय का भी। फिर कक्षा में जो नियमित संचालन का व्यवस्था देखा जाता है कि आए दिन बच्चे आते हैं तो शिक्षक नहीं होते हैं, और शिक्षक बैठे रहते हैं तो फिर वो छात्र नहीं होते, इसलिए कई ऐसे इस तरह के मामला है। फिर परिचय पत्र का मामला, विशेष करके ये परिचय पत्र का मामला ये है कि जो महाविद्यालय में छात्र पढ़ते हैं उनको कभी आज तक परिचय पत्र उनको देखे ही नहीं कि उनको परिचय पत्र दिया जाए। आते हैं बच्चे, हाँ आप अपने एडमिशन रसीद लाए हैं, तो बस उसी पर उनका काम होता है, परिचय पत्र नाम का कोई चीज़ ही नहीं, इसलिए कहीं अलग अलग विद्यार्थी, कहीं के विद्यार्थी नहीं भी विद्यार्थी हो तो वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, कोई सिस्टम ही नहीं, कॉलेज प्रशासन लचा रहा है इस महाविद्यालय का।
आप लोग जो है बार बार ज्ञापन के माध्यम से प्रधानाचार्य से आप लोग मांग करते हैं कि जो कॉलेज की जो व्यवस्था उसको बढ़िया किया जाए, ताकि जो बच्चे सबको जो व्यवस्था उसको उन लोगों को बढ़िया से मिल पाए। आपको ऐसा तो कहीं नहीं लग, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो विद्या की जो मंदिर कहा जाता है स्कूल के, उसके भविष्य बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बिल्कुल, ये बच्चों के भविष्य की खिलवाड़ नहीं, आने वाले दिन के लिए भी खिलवाड़ किया जा रहा है। ना बच्चे पढ़ पाएंगे और निकम्मे घूमते रहेंगे, यही हमारी सरकार की मंशा है। पूरे बिहार में देखिएगा, और खासकर जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में 5 साल में स्नातक पास करते हैं यहाँ पे बच्चे, और जब पास करते हैं तो आप फिर उसकी लायक नहीं होते, क्योंकि उनका एज एक्सपायर हो जाता है, तो फिर वो कहीं फॉर्म भरने के भी लायक नहीं होते हैं, जिसके कारण बेरोजगारी के दर दर ठोकर खाते रहते हैं। इस तरह की कई ऐसे मामले हैं जो कि कॉलेज प्रशासन लाचार है, कोई सिस्टम ही नहीं है, ना पढ़ाई होता है ना कुछ होता है, तो बच्चे यहाँ से पलायन करने की व्यवस्था में लग जाता है। जब बच्चे पलायन करेंगे तो यहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं होगी। ज्ञापन के माध्यम से आप लोग जो मांग किए हुए, अगर आप लोग की मांगे पूरी नहीं होती है तो आप लोग अगला कदम आप लोग का क्या रहेगा? हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, आज विगत कई वर्षों से मांग कर रहे हैं, अब आखिरी चरण में हम लोग हैं, और आने वाले दिन में बड़ा आंदोलन होगा इसके लिए, और महाविद्यालय कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार ठहराएंगे हम लोग। अपना परिचय बता दीजिए। मैं स्वामी उपाध्याय, पूर्व विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता, हरिराम महाविद्यालय। जो स्कूल के छात्र हैं, तमाम लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस स्कूल में जो लोग पढ़ने के लिए आते हैं कॉलेज में, देखा जाता है कि असामाजिक तत्वों का स्कूल परिसर में जमावड़ा लगा रहता है। स्कूल का जो परिसर है वो बिल्कुल जर्जर हो चुका है, उसकी क्या कुछ इसको लेकर के आप लोग करने जा रहे हैं छात्रों के लिए? के लिए तो इस्टीमेट बन चुका है, उस पर जल्दी काम होगा, मुझे लग रहा है कि और सब कुछ सही रहा तो 6 महीने में बिल्डिंग पूरी चमक उठेगी, और तब देखने को अच्छा मिलेगा, बच्चे भी सकारात्मक रूप से उसमें आएंगे और इसका दायरा बढ़ेगा, बच्चों की संख्या बढ़ेगी। और जो असामाजिक तत्वों की बात हो रही है, इसके लिए हमारे प्रचार महोदय यहाँ लोकल सीओ को और जो भी प्रशासनिक अथॉरिटी है उनको आवेदन दिए हुए हैं, और उस पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है। इस संदर्भ में हम लोग फिर से एक बार आवेदन देने का कार्य करेंगे, ताकि सकारात्मक कार्रवाई हो उस पर, और ये असामाजिक तत्वों का जो उपस्थिति है या खत्म हो। स्कूल की बिल्डिंग का जिस तरीके से जो जर्जर हो चुका है, जो छात्र न खुश है, उन लोगों से क्या कुछ कहना चाहिएगा? बिल्डिंग के लिए प्रोसेस हो चुका है और सब कुछ अगर सही रहा तो मुझे लग रहा है कि 6 महीने में बिल्डिंग पूरी तरह से कायाकल्पित हो जाएगा, और एक नया दृश्य आपको देखने को मिलेगा कि ये हराम कॉलेज एक नई इबादत लिखेगी। छात्रों को क्या कुछ संदेश देना चाहिएगा? छात्रों के ये कि आप रेगुलर क्लास आएँ, जो क्लास में कार्य मिल रहा है प्रोफेसर के द्वारा, उसको करके आएँ, किताब पढ़ें, केवल या कुंजी टाइप का जो परीक्षा में समय आता है उससे काम न चलाएं, अदरवाइज आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बीट नहीं कर पाएंगे, अच्छे नहीं हो पाएंगे, उससे केवल एग्जाम पास तो हो जाएंगे लेकिन अपने जीवन में जो सफलता, जो आप लक्ष्य निर्धारित किए उसको पाने के लिए दिक्कत। अपना परिचय बता दीजिए। मैं आलोक रंजन, यहाँ पे डिपार्टमेंट।